एक सेठ की चार पत्नी थी, और चार पत्नी जिस सेठ की हो उसमें खींचतान की तो फिर पूछना ही नहीं है कुछ। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि बताओ महाराज, राम जी को वनवास हुआ, सीता जी वन क्यों गई? उनको तो दशरथ ने वनवास नहीं दिया। मैंने कहा बिल्कुल सीता जी को वन में जाना चाहिए। बोले क्यों? मैंने कहा बहुत अच्छा निर्णय लिया, जिस घर में तीन तीन सास हो उससे तो जंगल ही अच्छा है। क्या करती रह के तीन तीन सास में, एक से तो चलता नहीं, उससे अच्छा जंगल में ही रहो। एक सेठ की चार पत्नी थी, और उन चार पत्नी में वह सेठ चौथे नंबर की पत्नी से बहुत प्यार करता था, पहले नंबर की पत्नी को चाहता ही नहीं था। पहले को चाहता तो चौथी कहां से आती, चाहते ही नहीं था। चौथे नंबर की पत्नी से उसे बहुत प्यार था, उस पत्नी के बिना वो रहता नहीं था, सारा समय सारा वक्त उस पत्नी के साथ ही वह गुजारता था। तीसरी पत्नी भी थी, उसे भी प्यार करता था, पर उतना नहीं जितना चौथी को करता। हाँ, जैसे तेरे घर की कहानी हो, दो फिट का कह रहा चौथी, तीसरी चौथी को करता था। इतने जल्दी पूरा प्रवचन इसको याद है। तीसरी पत्नी का भी प्यार, पहला दिन हंसते खेलते गुजरना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा सीरियस वाला मामला नहीं ले रहा। ऐसा प्रवचन करो जो बच्चों को भी समझ में आ जाए। तो चौथे नंबर की पत्नी को बहुत प्यार करता था, तीसरे नंबर की पत्नी को भी प्यार करता था, क्योंकि डरता था कि कहीं वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ भगाए या चली जाए, किसी और के साथ ना भाग जाए। डरता उसे कि ये मुझे छोड़ करके कहीं और जा सकती है, और ये कहीं और चली गई तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। पहले चौथी से प्यार है, दूसरे से प्यार है, प्यार इसलिए है कि ये मुझे छोड़कर कहीं और ना चली जाए। एक दूसरी पत्नी और थी, उसे तो थोड़ा कम प्यार करता, वह उससे थोड़ा कम लगाव था, वह सोचता था कि चलो ठीक है, कभी जभी बुरे दिनों में ये साथ दे देते हैं, कष्टों से उबार लेते हैं, संघर्ष से उबार लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्यार इनसे रखना चाहिए। और चौथे एक नंबर की जो पत्नी थी, नंबर वन पत्नी से वह कभी भी प्यार नहीं करता था। लेकिन एक नंबर की पत्नी छोड़ने को तैयार नहीं थी, बड़ी ढीठ रही होगी कि तू जहां जाएगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया। पहले नंबर की पत्नी जो थी वह बड़ी ढीठ रही होगी, उसने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी चाहे तू कहीं भी चला जाए। एक दिन से को लगा कि चार पत्नियां हैं। एक दिन से अंतिम समय आया, मृत्यु का समय आया, बहुत जल्दी आ गया। चार पत्नी में तो जल्दी आएंगे, एक में ही मरे जा रहे हैं लोग। अंतिम समय आए, डॉक्टरों ने कहा कि बस दी एंड होने वाला है फिल्म का। तो उसने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, मुझे चार पत्नियां छोड़कर जाना पड़ेंगी। बोले वो तो छोड़कर जाना पड़ेगी, तो बोले ऐसा करो कि मुझे, मैं जिस पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उससे जाकर के पूछता हूँ कि मैं अब दुनिया से जा रहा हूँ और तू मेरे साथ चलेगी या नहीं चलेगी। बुलाया जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता, कौन से नंबर की? हाँ, दूसरों की पत्नियों के नंबर जरूर याद होंगे, तू भगवान का कौन सा नंबर ये नहीं मालूम होता। तो चौथे नंबर की पत्नी को बुलाया और बुला करके उससे पूछा कि मेरी मृत्यु का समय आ गया है, मेरे मरने का समय आ गया है, मेरे जीवन का अंत हो रहा है, और मैंने तुझे सबसे ज्यादा चाहा है, क्या तू मेरे साथ? चौथे नंबर की पत्नी ने कहा, बोलो, नहीं जाऊंगी। क्या काय को करा रहे बाबू जी? ये वो कहे नहीं कहे, ये तो कह रहे कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। चौथे वाली ने बड़ी बेरुखी से कहा कि ध्यान रख, तू भले मुझे ज्यादा प्यार करता हो, ध्यान रखना जो सगा है वही जीवन का सबसे बड़ा दगा है,
है, जो सगा होता है वही दगा दिया करता है, जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं वही दिल तोड़ा करता है। अरे दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, और घर को आग लगती है घर के। सबसे ज्यादा जिसे प्यार करोगे वही धोखा देगा, ध्यान रखना। इसलिए ज्यादा प्यार व्यार मत करो, जाने वालों मेरे साथ चलो। बोले कि मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं जाता। अरे उसने कहा कि मैंने तुझे सबसे ज्यादा चाहा है, तेरे बिना मैं एक दिन भी नहीं। बोले रहा हो या नहीं रहा हो, तू बुढ़ा हो गया, तेरा समय खत्म। तो बोले तू क्या करेगी, बोले मेरा जो होगा होगा, तू अपना टेंशन ले, मेरे लफड़े में मत पड़। तू बड़ा दुख हुआ, काटो तो खून नहीं उसको, कि जिसके लिए जान दी, तीन पत्नियों से प्रेम नहीं किया। वो चौथी कहती है कि मैं तेरे साथ एक कर, मैं तेरे साथ जाने वाली नहीं। उसने कहा चलो तीसरी को मारो वाली, तीसरी को बोलो। तीसरी वाली से पूछा तू मेरे साथ चलेगी, बोले मैं बहुत सुंदर हूं, हर कोई मुझसे अट्रैक्ट रहता है, हर कोई मुझे पसंद करता है, मैं तो रास्ता देख रहा हूं कि तू कब मरे और मैं दूसरे के साथ। अरे उसने कहा मुझे तुझसे यही डर था। बोले बस यही डर था तो समझ ले तू मरा कि मैं किसी और के साथ। चली कहां जाएगी, बोले कहीं भी चली जाऊंगी, मेरा कोई चरित्र नहीं है, मेरा कोई जीवन के संस्कार नहीं है। अरे मैं एक को छोड़ के दूसरे से प्यार करने लगती हूँ, एक को छोड़कर दूसरे से शादी कर लूंगी, और हो तो हो, तुझसे तो कर ली और तू चला गया, तेरे लड़के से भी मेरा प्रेम हो गया है, अब कितनी चरित्रहीन होगी। देखो ऐसी कर रहे हैं, देखो जैसे इनके घर में बहू आ गई। बोले मैं किसी से भी शादी कर लूंगी। अरे उसने कहा ये भी बेवफा है। दूसरे नंबर की पत्नी को बोला चल तू आ। आदमी बड़ा होशियार है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। दूसरे नंबर की बुलाया तू मेरे साथ चले। अरे बोले हाँ देखो तुमने चाहा तो मुझे नंबर दो में, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चाहती हूँ, चलो तुम्हारे साथ चलूंगी। बोले मैं जहां जाऊंगा वहां चलेगी। बोले नरक जाऊंगा तो नरक। अरे उसने नरक स्वर्ग का लफड़ा बड़ा कुछ नहीं है, जितना तूने प्यार किया उतना ही मिलेगा, चलूंगी थोड़े दूर तक। बोले ये बड़ा गड़बड़ है। बोले नहीं तूने जितना साथ दिया उतना मैं भी दूंगी, तू कहे तो मर घट तक, उसके आगे तो अपना कोई लफड़ा नहीं, फूंक फांक के आ जाएंगे, तू भी फ्री और मैं भी फ्री। अरे उसने कहा ये तीनों पत्नी मुझे नहीं चाहती है, बात क्या है, एक भी नहीं चाहती है। पूछा कि भाई तू मरगट तक जाएगी, आगे क्यों नहीं जाती है। बोले देख तू सूरजमुखी मैं चंद्रमुखी, मैं दुख से दुखी तू मुझसे दुखी, आ किसी बिल्डिंग से कूद के मर जाए तू भी सुखी और मैं भी सुखी। पहले नंबर की पत्नी जिसे बिल्कुल प्यार नहीं करता था, देखा कि तीनों पत्नियों ने जवाब दे दिए, एक ने भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, एक नंबर पीछे से आवाज आई इसे कोई तेरे साथ जाए या ना जाए मैं तेरे साथ जरूर चलूंगी। जारिया जी पहली पत्नी का दर्द है, मैं तेरे साथ जरूर चलूंगी। तो बोले मैं नरक जा, बोले मैं नरक में भी चलूंगी, स्वर्ग में भी चलूंगी, तू कहे तो पशुपति चारों पतियों में चलने को तैयार हूं। सेठ ये सोचना तुझे है, लेकिन मैं तेरे साथ हमेशा चलूंगी, तू नफरत कर तो भी तेरे साथ चलूंगी, और तू प्रेम करेगा तो भी तेरे साथ, मैं तेरा दामन कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे लोग सात जन्मों की कसम खाते हो, मैंने तो जन्म जन्म की कसम है तेरे साथ, मैं तेरा साथ कभी। सेठ की आंखें खुली कि मैं जिसे नफरत करता था वो ही मुझे प्यार करता है। पूछा कि मैंने तुझे कभी प्यार की दृष्टि से नहीं देखा, तू फिर भी मेरा साथ देगी। बोली मैं बेवफा नहीं हूं, मैंने तुमको इतना चाहा जिसकी कोई ठाए नहीं है, और तुम चाहो तब मैं चाहूं ऐसी मेरी चाह नहीं है। ईमानदार पत्नी रही। सेठ की आंख खुली, ठीक ये पत्नी ने आवाज दी कि मैं तेरा साथ कभी छोड़ूंगी। मान्यवर चंदा प्रभु भगवान दंडोदक गिरा रहे हैं पत्नी के नाम को सुनकर के, नहीं तो एक बार ऐसे ही हो गया केस,
एक की पत्नी मरी और उसका अंतिम संस्कार कर रहा, चिता जली, इतने में बिजली गरज गई, बादल गरजे, बिजली चमकी, पानी गिरने लगा। पति ने ऊपर देखा, बोले तहल कचरा लगता पहुंच गई। शोर शराबा शुरू हो गया, गई अब चिता जाए बाहर में, वो तो पहुंच गई। ऐसे ही लग रहा पानी आने लगा है, पहुंच गई लगता। ध्यान रखिए, पूछा, मैं भी आपसे कह रहा हूं भगवान चंद्र प्रभु के दरबार में कि चार पत्नियां आप सबके पास हैं, आपके पास भी हैं, बच्चों के पास भी हैं, छोटे महाराज के पास भी हैं, भले ब्रह्मचारी हो बाल ब्रह्मचारी हो, चार पत्नियां मेरे पास भी हैं। ओहो, चार पत्नियां हर किसी को देकर के परमात्मा ने भेजा है। और आज मैं 1 जनवरी को एक बात कह रहा हूं कि 3 पत्नियों से प्यार करो या ना करो, पहली पत्नी से प्यार जरूर करना चाहिए। और जानते हो वो 4 नंबर की पत्नी जिसे सेठ बहुत प्यार करता था और उसने कहा कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, वह पत्नी है हमारा शरीर, जो दुनिया में आता तो है लेकिन जाता हमारे साथ नहीं है। और आदमी जिंदगी भर इस शरीर से प्यार करता है, पूरा जीवन इस शरीर के लिए नेछावर कर दिया करता है, लेकिन वह शरीर कहता है कि तू कितना भी प्यार कर ले, तू कितना भी मेरे लिए वक्त लगा दे, लेकिन मैं तेरे साथ अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, मेरा जो स्वभाव है वह कभी भी बदलने वाला। दूसरा, पत्नी जो कहती है कि मैं बेवफा हूं, आज तेरे साथ कल किसी और के साथ, वह धन दौलत की पत्नी हमारे मरते किसी और की झोली में चली जाती है, किसी और की तिजोरी में चली जाती है, किसी और के साथ चली जाती है। दूसरा, प्यार हमारा उसी से होता है। और तीसरी जो पत्नी हुआ करती है, जो कहती है कि लोक लाज से मरघट तक चलूंगी, वह है हमारे नाते रिश्तेदार जो मरघट के आगे हमारे साथ नहीं जाते हैं। और एक पत्नी है जिसकी हम जीवन भर उपेक्षा करते हैं, वह है हमारी आत्मा जो हमेशा हमारे साथ रहने को तैयार रहा करती है। किसी भी गति में जाओ, कहीं भी चले जाओ, वह कभी भी हमारा साथ छोड़ने वाली नहीं है। उसकी उपेक्षा करने वाला जीवन भर आंसू बहाता है। एक कौवा बैठा था पेड़ की शाख पर, 2 आंसू गिरे टप टप उसके नीचे, एक साधु बैठा था, उसके माथे पर कौवे के आंसू गिरे, उसने ऊपर देखा, उसने कहा, हे कागराज, क्या समस्या है तुमको, क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा कि संत जी आप बहुत पहुंचे हुए हैं। संत ने कहा, हर संत पहुंचा हुआ है, भटका हुआ तो संसारी हुआ करता है, हम तो पहुंचे हुए हैं। एक संत ने पूछा, क्यों भैया? एक संत से किसी ने पूछा कि संत जी कैसी चल रही है? अरे बोले बड़ी मजे की चल रही है। बोले संत जी कैसी कट रही है? बोले बड़े मजे से कट रही है। जैसा राम चलाते हैं वैसा मैं चल जाता हूं, मेरी जिंदगी कटती, मैं तो राम के भरोसे जी रहा हूं, जैसा राम कहते हैं वैसी हमारी जिंदगी कट जाती। संत ने उससे पूछा, ओ भैया तेरी कैसी चल रही है? बोले हम क्या बताएं संत जी। बोले क्यों? बोले आप तो जैसा राम कहते हैं वैसी जिंदगी चलती है, हमारे यहां तो जैसा सीता कहती है वैसी जिंदगी चलती है, करे क्या हम ध्यान। कवि ने संत से कहा कि संत जी आप मेरे दुख दूर कर सकते हो? संत ने कहा, कौवे तुझे किस बात का दुख है? बोले दुख इस बात का है, ये तो मेरा काला शरीर, कोई मुझे पसंद नहीं करता, जिस घर में काव 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 करो सुबह वाली, वहीं से कंकड़ पड़ता है, वहीं से भगा दिया जाता है, कौवा आया भगाओ। मेरी इज्जत केवल 10 दिन होती है श्राद्ध पक्ष में, दुनिया भर का खिलाते ले भैया, कौवा महाराज खाओ, ये खाओ वो खाओ, हिंदुओं में होती ना श्राद्ध होती है, उसमें कौवे को कागौर डाली जाती है, 10 दिन के बाद मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरे कोई नहीं देखता है, गंदगी में बैठता हूं, कचरे में बैठता हूं, जमीन में पड़ा खा लेता हूं। हे संत जी ऐसा करो, मेरा ये काला रंग हटा दो। अरे संत ने कहा, क्या बनना चाहता है तू, उदाहरण दे।
बोले मुझे हंस बना दो। संत ने कहा हंस बनना है? बोले हाँ। बोले काम कर, तू चल मेरे साथ, हंस से मिल के आते हैं। बोले ठीक है चलो। कौआ चल गया संत जी के साथ, उड़ते हुए चला गया। जैसे ही पहुंचा, हंस बैठा हुआ था सरोवर में, जाकर के कहा, और हंस भाई क्या हाल है तुम्हारे? हंस ने कहा ठीक हो। कौए ने कहा हंस जी तुम्हारी तो बड़ी मस्ती होगी, बड़ा आनंद होगा। बोले क्यों? कितने आराम से तालाब में पैडल मारते हो, तैरते रहते हो, आराम से जीते, कितने गोरे दिखते हो, कितने सुंदर हो तुम, कितना तुम्हारा मस्ती का जीवन होगा, जो देखो तुमसे आकर्षित हो जाया करता है। हंस ने कहा कौन बोला रे कि मैं सुंदर हूं? बोले क्या मतलब? बोले किसने बोला कि मैं सुखी हूं? अरे हंस से पूछा, हंस ने कहा मैं कहां सुखी हूं, कौन बोलता है कि मैं सुंदर हूं? संत ने कौए की तरफ देखा, देख पागल तू कह रहा था ना मैं काला हूं, ये गोरा भी रो रहा है, ये कह रहा कि मैं सुंदर नहीं हूं। अरे बोले तेरे जैसा सुंदर कौन होगा? तेरी उपाधि तो संतों को दी जाती है, ये राज हंस हुआ करते हैं, ये परम हंस हुआ करते हैं। बोले कौन बोला? बोले मैं कौआ बोला। बोले पागल कभी तोता देखा है तुमने? बोले क्यों? कितना सुंदर होता है, हरे हरे पंख होते हैं, लाल लाल चोंच होती है, कितना मीठा बोलता है। मैं गोरा हुआ तो क्या हुआ, आदमी जैसा थोड़ी बोल सकता हूं, तोता तो आदमी जैसा बोलता है। तो कौए ने कहा एक काम करो संत जी। बोले क्या? बोले मुझे तोता बना दो, ये कौआ नहीं रहना मुझे। हंस ने कहा तोता बहुत सुखी है। संत ने कहा एक काम करो, दोनों मेरे साथ तोते के पास चलो मेरे साथ। दोनों चले, कौआ उड़ रहा, हंस अपनी चाल में चल रहा है, एक पेड़ पर तोता बैठा, और मियां मिट्ठू, अरे बड़ा खुश हो गया तोता, क्या बात है, कौआ भी बुला रहा, हंस भी बुला रहा, संत भी आए, और मियां मिट्ठू क्या चल रहा है? उसने तो टे 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 करके जवाब दे दिया, बोले आराम है। अरे बोले देखो क्या जिंदगी है मिट्ठू तुम्हारी, लोग पिंजरे में भी रख ले तो अपने हाथ से नहलाते हैं, धुलाते हैं, तुम्हें बादाम खिलाते, किशमिश खिलाते हैं, दूध रोटी खिलाते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं मिट्टू मिट्टू मिट्टू, कितना मीठा बोलते हो तुम आदमी की आवाज बोल देते हो। तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा, तुम्हारे जैसा सुखी इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मिट्टू ने कहा कौन बोला रे कि मैं सुखी हूं? अरे कौवे ने कहा यहां भी कोई लफड़ा है क्या? बोले कोई मुझे रंग मिला है, हरा रंग।